सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 1 to 10, उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.2। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से उसको आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आप यहां पर देख सकते हैं इन फिगर 10.40, तो ये आपकी फिगर है 10.40। इसमें बोला गया है एसीबी इज अ लाइन सच दैट एंगल डीसीए इज इक्वल टू 5x एंड एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 4x। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल डीसीए एंड डीसीबी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में यहां पर गिवन है एसीबी इज अ लाइन, ठीक है, ऑलरेडी यहां पर बताया गया है कि एसीबी आपका जो है लाइन है, ठीक है, दिस इज योर लाइन, कंप्लीट लाइन एसीबी। आगे बोला गया है एंगल डीसीए 5x गिवन है, और डीसीबी बी आपको गिवन है, एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और यहां पर आपको फाइंड करना है एंगल डीसीए और डीसीबी, ठीक है। जैसे आपको यहां पर गिवन है 5x और 4x, लेकिन आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और x का वैल्यू इसमें पुट करना है, देन फाइनली आपका एक्चुअल जो एंगल है डिग्री में वो आपका निकल के आ जाएगा। तो जैसा कि यहां पर आपको मालूम है कि एसीबी आपका लाइन है, ठीक है, तो एसीबी लाइन है और यहां पर आपको एक लाइन गिवन है, ठीक है, दिस इज योर लाइन डीसी और ये आपकी कॉमन है, ठीक है, दोनों ही जो एंगल्स हैं उसका हिस्सा है, ठीक है, डीसी जो है डीसी लाइन है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका 5x और 4x डीसीए और डीसीबी है ना, इनका क्या होगा, दे विल फॉर्म अ लीनियर पेयर, है ना। इससे पहले हम कई क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप एक बार देख लीजिए और फिर उसके बाद ये वीडियो आप देखें, सो दैट कि आपको जो कंसेप्ट है वो जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस विल फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो डीसीए आपको गिवन है 5x, तो आप लिखेंगे 5x, और डीसीबी आपको गिवन है 4x, तो 4x आप यहां पर लिखेंगे 180, दिस विल गिव यू 9x 180, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड दिस विल गिव यू 20, ओके। तो x का वैल्यू आपके पास आ चुका है, लेकिन हमें x का वैल्यू फाइंड करने के बाद ये एंगल्स फाइंड करने हैं। तो जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल जाता है उसके बाद यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, DCA का वैल्यू आपको निकालना है और एक आपको निकालना है DCB। तो इसके लिए सिंपली x का वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, x का वैल्यू 20, दिस विल गिव यू 100 डिग्री, ओके। इन द सेम मैनर आप यहां पर भी पुट कर देंगे 4 into x, दैट मीन्स 20 एंड दिस विल गिव यू 80 डिग्री, ठीक है। तो आप दोनों का सम कर लीजिए, आपके पास 180 ही आ जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो दोनों ही एंगल हम निकाल चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है एंगल POR इज इक्वल टू 3x, ठीक है, यहां पर आपको गिवन है POR इज 3x एंड QOR, एंगल QOR, दिस एंगल इज 2x प्लस 10, ठीक है, ये आपको गिवन है दोनों एंगल। इसके बाद बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहां पर आपको सिर्फ निकालना है वैल्यू x का, ठीक है, जो पूरा एंगल है वो नहीं निकालना है, सिर्फ x का वैल्यू पूछा गया है। फॉर विच POQ विल बी अ लाइन, ठीक है, जिसके लिए POQ आपकी एक लाइन होगी। सो वंस अगेन इस फिगर को आप ध्यान से देखें, दिस इज योर फिगर नंबर 10.41, ठीक है, इसको ध्यान से देखें, ये जो आपकी आर्म है, ठीक है, ये वाली, ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, कॉमन है, कॉमन क्यों है, दोनों ही एंगल्स का हिस्सा है ना, इस एंगल का भी हिस्सा है और 3x का भी हिस्सा है, और हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी रेज है ओपी और ओक्यू अपोजिट है एक दूसरे के, सो बेसिकली दिस विल फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो यहां पर आप लिख सकते हो एंगल POR
प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है ना। पी ओ आर का वैल्यू आपको गिवन है 3x, देन क्यू ओ आर का वैल्यू आपको गिवन है 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 180, 5x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 170 और यहां पर आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आप इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आपको x का वैल्यू मिल चुका है 34 डिग्री है ना। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट वैल्यू ऑफ y वुड मेक AOB अ लाइन इन फिगर 10.42 इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 4y एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 6y प्लस 30। तो यहां पर आपको एक लाइन गिवन है BOA, ठीक है, जैसा कि यहां पर बोला गया है AOB, ठीक है, AOB आप बोल सकते हो इसको, और ये फिगर नंबर है आपका 10.42। और यहां पर आपको दो एंगल्स गिवन है, एक है आपका एंगल AOC, ठीक है, AOC दिस इज योर 4y एंड एंगल BOC, ठीक है, ये आपका है 6y प्लस 30। तो यहां पर सिंपली आपसे y का वैल्यू पूछा गया है ना, पूरा एंगल नहीं पूछा गया है कि ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, सिर्फ y का वैल्यू पूछा गया है ना, y का वैल्यू पूछा गया है, सिर्फ y का वैल्यू आपको निकालना है। सो वंस अगेन आप यहां पर ध्यान से देखें, ये आपका कॉमन आर्म है, ठीक है, दोनों एंगल्स में ही आता है, ठीक है, ये वाला लाइन जो है लाइन OC, ठीक है, कॉमन है, और जो आपका यहां पर दो रेज है OB और OA, ठीक है, ये अपोजिट हैं, तो इसका मतलब है आप बोल सकते हो योर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, यहां पर ये होंगे लीनियर पेयर है ना, क्योंकि लीनियर पेयर का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो AOC का आपका वैल्यू गिवन है 4y और BOC का वैल्यू है 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 180, दिस विल फॉर्म 10y एंड 180 माइनस 30 150 एंड देन y का वैल्यू हो जाएगा यहां पर आपका, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका बचेगा 15। ओके, तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 15 डिग्री है ना। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो जल्दी से पहले वाला जो वीडियो है वो एक बार देख लें, वॉच कर लें, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है आपका, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था वैसा ही है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आप इसको एक बार देख लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इन फिगर 10.44 रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ रिस्पेक्टिवली इफ एंगल POS इज इक्वल टू x फाइंड एंगल ROT। तो यहां पर आपके सामने आप देख सकते हैं POQ एक आपकी एक लाइन है, ठीक है, और इस पर OS आपकी एक लाइन स्टैंड है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन आपकी खड़ी है और ये जो दो लाइन है आप ये देख सकते हैं OR और OT, यहां पर मेंशन है OR और OT, ये दोनों ही एंगल बाइसेक्टर्स है। ये जो एंगल आपका बनता है एंगल X का, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है दो एंगल्स में ये बाइसेक्ट करता है इक्वल एंगल्स में, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा और यहां पर भी ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपकी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि यहां पर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अगर बात करें इस एंगल की एक्स की, तो यहां पर ये जो हाफ एंगल होगा ये होगा आपका एक्स बाई टू और जो दूसरा एंगल होगा वो भी हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका x एंगल ही आ जाएगा, ठीक है, ये जो पूरा एंगल है ये x है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROS
इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है। आप देख सकते हैं एंगल आर ओ पी आपका एक्स बाई टू होगा और एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस ये भी एक्स बाई टू होगा, तो हमने इसी बात को यहां पर लिख दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दो एंगल्स को, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख सकते हैं ये दोनों ही एंगल आपके लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। और आप जानते हैं एंगल पी ओ एस का जो वैल्यू है एंगल का, वो यहां पर गिवन है, एंगल एक्स ये फॉर्म करता है। तो इसको यहां पर आप लिख देंगे एंगल एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स यहां पर जो वैल्यू है एक्स ओ क्यू का, वो आ जाएगा आपका एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अब बात करते हैं राइट साइड की। तो यहां पर आप जानते हैं ओ टी आपका एक एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है एंगल एस ओ टी विल बी इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू। आप देख सकते हैं एंगल एस ओ टी, ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल टी ओ क्यू के। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा एंगल है आपका एंगल एस ओ क्यू। यहां पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल एस ओ क्यू का जो वैल्यू है वो है 180 डिग्री माइनस एक्स। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा, इसका मतलब है ये टोटल आपका एंगल है, तो अगर ये एंगल हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे, है ना, यहां पर इसको हाफ कर देंगे, तो इसका मतलब है ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स बाई टू। और ये जो एंगल है वही एंगल ये वाला होगा, सेम होंगे दोनों, 90 माइनस एक्स बाई टू, है ना, क्योंकि आपका पूरा एंगल है आपका 180 माइनस एक्स, लेकिन इसको हाफ कर देंगे तो ये आपका 90 माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा और ये भी 90 माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, है ना, यही तो है इसका मतलब, जो यहां पर हमने लिखा है उसका मतलब यही तो है। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस एक्स। तो यहां पर आपका ये जो एंगल है एस ओ टी इज इक्वल टू टी ओ क्यू, दोनों ही एंगल आपके आ जाएंगे 90 माइनस एक्स बाई टू। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको फाइंड करना था एंगल आर ओ टी, आर ओ टी, तो यहां पर दोनों ही एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, आर ओ एस और यहां पर टी ओ एस या फिर एस ओ टी हम बोल सकते हैं, दोनों ही एंगल हम निकाल चुके हैं। यह है आपका एक्स बाई टू और यह है 90 माइनस एक्स बाई टू, तो इसका मतलब है ये पूरा एंगल आपको फाइंड करने के लिए इनका हम सम कर देंगे, है ना, कितना आसान है। तो यहां पर आप लिखेंगे एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू, यहां पर आर ओ एस का वैल्यू आप देख सकते हैं ये है एक्स बाई टू, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा प्लस एस ओ टी का वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर लिया है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई टू। और यहां पर आप देख सकते हैं ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स बाई टू ये प्लस का है और ये माइनस का है, और यहां पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 90 डिग्री। तो इसका मतलब है एंगल आर ओ टी जो पूरा का पूरा एंगल है वो कितना आ चुका है, 90 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इन फिगर 10.45 लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इफ रेशियो ऑफ दीज एंगल्स एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल दी एंगल्स। तो यहां पर आपके सामने फिगर गिवन है, फिगर 10.45, तो आप देख सकते हैं ये जो दो लाइंस है पी क्यू और आर एस, ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ। इस फिगर के हिसाब से देखें तो यहां पर आपको एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ठीक है, ये वाला एंगल और आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, यहां पर इन दोनों एंगल्स का रेशियो आपको गिवन है। तो इसके साथ ही आपको सारे एंगल्स जो है निकालने हैं, एक्चुअल जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। तो आप यहां पर लिख लोगे लेट दिस एंगल, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू
5x, ठीक है, रेशियो में गिवन है, तो आप इस तरीके से लिख लोगे एंड एंगल आर ओ क्यू, इसको आप लिख लोगे 7x, ठीक। तो यहां पर जो x है वो कोई भी नंबर हो सकता है, आप लिख सकते हो यहां पर एनी नंबर, ठीक है। नाउ यू कैन राइट एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180, ठीक है, ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, इसके लिए ये आपकी कॉमन आर्म है और ये अनकॉमन आर्म है, ठीक है, और ये जो दो रेज है आपकी ओ क्यू और ओ पी, ये आपकी अपोजिट है, तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपका लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, है ना। तो आप लिख दोगे 180 डिग्री, और पी ओ आर को हमने अभी क्या लिखा था, क्या माना था, 5x, तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लोगे, आर ओ क्यू को आपने माना है 7x, तो इसको 7x लिख लोगे और यहां पर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x का वैल्यू आपका आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 12, इसको आप लिख दोगे, ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 15 डिग्री, है ना। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है, यानी ये जो एंगल है इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये जो एंगल है इसके वर्टिकली अपोजिट में कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और ये जो एंगल है आपके सामने इसके जस्ट अपोजिट में है ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने कहा कि मान लो ये x एंगल है तो इसका भी वैल्यू x होगा, और मैंने कहा कि इसका वैल्यू y है तो इसका भी वैल्यू y होगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो आपको x का वैल्यू मालूम चल चुका है, तो आप क्या करोगे, जो x का वैल्यू यहां पर है उसको आप पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपके सामने 5 × 15, तो ये आ जाएगा आपका एंगल 75 डिग्री, और यहां पर भी आप x का वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 × 15, तो ये आ जाएगा आपका 105, ओके। आप दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, 75 डिग्री और 105 डिग्री को, तो आपका 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका वेरिफिकेशन यहां से हो चुका है, ठीक है। तो दैट मीन्स दीज आर द एंगल्स, ठीक है, पी ओ आर एंगल आपका आ चुका है 75 डिग्री, है ना, तो ये एंगल भी आपका 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये जो एंगल है आपका एंगल आर ओ क्यू ये आया है आपका 105, अगर ये 105 है तो ये भी आपका 105 ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इन फिगर 10.46 इफ ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये आपके सामने फिगर है 10.46, यहां पर आपको गिवन है इफ ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, यानी स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, देन फर्दर इसको सॉल्व करना है, और ए और बी का आपसे वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये है आपका ए और ये है बी, इनका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है, आपको दो इक्वेशन चाहिए, है ना, तो पहली इक्वेशन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है और दूसरा यहां पर फिगर में गिवन है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक इक्वेशन आ जाएगी यहां से, ठीक है, ये जो कंडीशन है आपका यहां से निकाल लेंगे, और दूसरा आपका यहां से बन जाएगा, देख के लीनियर पेयर बन जाएगा, तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, दिस विल फॉर्म अ लीनियर पेयर, है ना। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि लीनियर पेयर कैसे लेते हैं। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं इसको एक ही फॉर्म में, सो दैट की इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी बाई 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो इसका मतलब है इक्वेशन आपकी बन के आएगी ए इज इक्वल टू बी प्लस 1/3 × 90 डिग्री। चलिए यहां पर हम समझते हैं ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए आपका बड़ा है बी से,
तो बड़ा होने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपकी इक्वेशन है यानी बी में आप कुछ ऐड करोगे, ठीक है, सम करोगे, तभी आपका ए बड़ा होगा बी से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना ऐड किया है हमने, बाई वन थर्ड ऑफ अ राइट एंगल, बाई वन थर्ड, तो वन बाई थर्ड हमने यहां पर लिख दिया, ऑफ अ राइट एंगल, ऑफ आते इसका मतलब है इनटू आप कर दोगे, और 90 डिग्री यहां पर मेंशन है तो 90 डिग्री आप यहां पर लिख दोगे। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी ए इज इक्वल टू बी प्लस 30 डिग्री, है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी और ये आपकी इक्वेशन नंबर वन। तो यहां पर आप आसानी से लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर सकते हो क्योंकि यहां पर भी ए का वैल्यू है और यहां पर भी ए का वैल्यू है, तो आप लिख सकते हो 180 माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस 30, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो बी का वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 75 और ए के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो ए का वैल्यू आ जाएगा आपका ऑब्वियसली 105। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए और बी लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो दोनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री आना चाहिए, आप देख सकते हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, है ना, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर 10.48, दिस इज योर फिगर 10.48, ओके, पीओक्यू इज अ लाइन, पीओक्यू एक लाइन है आप देख सकते हैं, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर, इसका मतलब है ये एंगल भी 90 होगा तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा ही होगा। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, यहां पर आप देख सकते हैं आपकी ओ एस एक रे है जो कि लाई करती है इस एंगल के बीच में, ठीक है, ये एंगल जो है आपका आर ओ पी, तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है आर ओ एस यानी कि आर ओ एस ये जो एंगल है ये कितना है 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और फिगर में आपको गिवन है दिस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना, और आपका एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल आर ओ क्यू ये भी आपका 90 डिग्री है। तो यहां पर हम कह सकते हैं एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, तो इस आर ओ पी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, आप देख सकते हैं आर ओ पी ये जो पूरा एंगल है इसको आप क्या लिख सकते हैं पी ओ एस, ठीक है, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल आर ओ एस, है ना, इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया, बहुत सिंपल है। आर ओ क्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ क्यू इसको आप कैसे लिख सकते हो, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, आप देख सकते हैं क्यू, ठीक है, क्यू ओ एस इसमें से माइनस क्या किया है हमने आर ओ एस, तो आपके पास यही एंगल बचेगा, ठीक है, आर ओ क्यू। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं ये माइनस का आर ओ एस है और ये आपका प्लस का है, तो इसको आप यहां पर शिफ्ट कर लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं एंगल दिस बिकम्स टू, ओके, आर ओ एस इज इक्वल टू ये आपका रह जाएगा क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस क्या रह जाएगा पी ओ एस, है ना, पी ओ एस, और इसको आप यहां पर ले आएंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, और इसको आप नीचे डिवाइड में ले आएंगे तो ये आपका एंगल आर ओ एस हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने नंबर सिस्टम वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।